स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश वन. वी वर लर्निंग द यूनिट नंबर 12 ट्रूथ इज गोल. तो इन दिस सेशन वी हैव कंप्लीटेड टू द एक्टिविटी नंबर 5. ओके सो नाउ वी विल डू द एक्टिविटी नंबर 6. तो एक्टिविटी नंबर 5 तक हमने लास्ट में कंप्लीट किया था. 6 में क्या करना है कि यूज द वर्ड्स इन सेंटेंसेस फर्स्ट एज वर एंड देन एज नाउ. ओके तो कोई भी जो वर्ड्स होते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. एक ही वर्ड हो वो एज अ सब्जेक्ट यानी कि एज अ नाउन भी यूज होता है, एज अ वर्ब भी यूज होता है, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, है ना, अलग अलग जगह पे यूज होता है. तो यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दिए हैं उसको आपको वर्ब और एज अ नाउन और एज अ वर्ब यानी आपको दोनों तरह से उसका यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं. तो पहला जो वर्ड है वो है एक्टिविटी नंबर 6. यूज द वर्ड्स इन सेंटेंस और क्या है बुक है वो एज अ नाउन यूज हुआ
is in your book? अब हम दूसरा वर्ड लेते हैं इन वर्ड्स को यूज करके आप अपने हिसाब से भी सेंटेंस है वो बना सकते हैं नोटिस नोटिस करना यानी टू नोटिस एज अ वर्ब हम इसका मीनिंग देखें तो किसी को किसी के ऊपर ध्यान देना किसी को ध्यान से देखना नोटिस करना है ना या तो फिर दूसरा जो नाउन के तौर पे उसका मीनिंग देखे तो नोटिस यानी को हम किसी को कुछ नोटिस भेजते हैं कागज में लिखकर जो नोट दिया जाता है उसको नोटिस कह सकते हैं है ना तो नोटिस के हम सेंटेंस लिखे तो पहले एज अ वर्ब लिखे तो question okay तो did you notice what she was wearing उसने क्या पहना था वो तुमने नोटिस किया यानी उसके ऊपर ध्यान दिया और अब एज अ नाउन आप लेंगे तो उसका हम द टीचर आस्क्ड क्वेश्चन द टीचर स्टूडेंट्स टू रीड द नोटिस तो यहाँ पे जो नोटिस है वो एज अ नाउन है और यहाँ पे डीड के साथ मेन वर्ब आया है तो डीड है वो हेल्पिंग वर्ब है नोटिस है वो एक्शन वर्ब है तो यहाँ पे जो नोटिस है वो वर्ब के प्लेस में है यानी एज अ वर्ब यूज हुआ है इस सेंटेंस के द टीचर एक्शन एक्ट है वो क्या है वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये वाला नोटिस है वो क्या है नाउन है वर्ब इसमें एक्ट है ठीक तो ये वाला भी लिख लो अपनी बुक में उसके बाद का जो वर्ड है वो है लुक तो लुक इसका वर्ब हम वर्ब का मीनिंग देखे तो लुक यानी देखना है ना लुक एट दैट बर्ड्स दे आर फ्लाइंग इन द स्काई तो लुक लुक यानी देखो और दूसरा है
पहले हम वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे। लुक द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। देखो बर्ड है वो स्काई में फ्लाई कर रहे हैं। दूसरा हम बनाए एक्टिविटी नंबर सिक्स में ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स विद देयर एंटोनिम्स। आपको वर्ड्स को मैच करना है विथ देयर एंटोनिम्स। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट, है ना। वर्ड्स को उसके ऑपोजिट वर्ड्स के साथ मैच करना है। तो कॉलम ए है और कॉलम बी है। ए में आपको है इनोसेंट, strange, scattered और है angry। B में है familiar, guilty, pleased, and arranged। okay? सबसे पहला है innocent। innocent का antonyms यानी opposite होता है guilty। दूसरा है strange। strange यानी जानी ता ना हो वो, उसका एंटोनिम्स होगा फैमिलियर।
जो हमारा फैमिलियर हो, हमें जानता हो वैसा। ओके, फिर है स्केटर्ड यानी स्प्रेड, बिखरा हुआ, उसका एंटोनिम होगा अरेंजमेंट, यानी अच्छे से अरेंज किया हुआ। एंग्री यानी गुस्सा, प्लीज्ड यानी खुश। ओके, तो इसके आप आंसर है वो मैच कर लीजिए, इनोसेंट तो गिल्टी, स्ट्रेंज तो फैमिलियर, स्केटर्ड तो अरेंज्ड एंड एंग्री तो प्लीज्ड। आपको ब्लैंक्स दी गई हैं, तो इसमें आपको जो नाउन, यूज द वर्ड्स इन कॉलम बी, तो कॉलम बी में जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस है वो कंप्लीट करने हैं, यानी जो ब्लैंक्स है उसमें फिलअप करना है। और आपके पास वर्ड्स कौन से हैं फिलअप करने के लिए, फैमिलियर, गिल्टी, प्लीज्ड एंड अरेंज, यानी ये है वो हमारे ब्रैकेट्स हैं फिलअप करने के लिए। So, now use the words blank in neat order to the cells. तो जो cells थे लाइब्रेरी में उसके अंदर बुक्स है वो क्या थी, नीट यानी अच्छे से अरेंज्ड थी, है ना। तो यहाँ पे अरेंज्ड आएगा, सेकंड है माय फादर वाज, ब्लैंक टू सी माय रिपोर्ट कार्ड, as I had performed well.
यहाँ पे क्या आएगा कि माई फादर वॉज ब्लेम टू सी माई रिपोर्ट कार्ड एज आई हैड परफॉर्म वेल, क्योंकि मैंने अच्छा परफॉर्म किया था इसीलिए मेरे फादर ने वो मेरे रिपोर्ट कार्ड को देखकर क्या हो गए फेमिलियर गिल्टी के प्लीज्ड, तो क्या आएगा प्लीज्ड आएगा यानी कि खुश हो गए। राइट डाउन द आंसर ऑफ दीज टू सेंटेंसेस इन योर बुक। Now number 3 is the blame people are always drive in quotes. Everything in my house. तो पहले ब्लेम में क्या आएगा द ब्लेम पीपल आर ऑलवेज राइट, तो यहां पे आएगा गिल्टी पीपल। गिल्टी पीपल आर ऑलवेज राइट इन कोर्ट्स। दूसरा है आई एम वेरी ब्लेम विथ एवरीथिंग इन माई हाउस, तो यहाँ पे आएगा फेमिलियर। आई एम वेरी फेमिलियर विथ एवरीथिंग एवरीथिंग इन माई हाउस। ओके सो राइट द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ। अब एक्टिविटी नंबर 7 देखते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 7 में आपको पैराग्राफ्स दिए गए हैं, तो लेट्स रीड इट। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, तो हम हैं वो बहुत सारे लीडर्स के बारे में जानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले भी एक महान लीडर थे इंडिया के। वेन ही वो स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट थे, हमने ये जो ट्रूथ इज गॉड है वो लेसन है वो किसके बारे में लर्न किया, तो वो था बाल। ओके वो जो लेसन हमने लर्न किया वो क्या था, बाल गंगाधर तिलक था, और ये है वो कौन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो वो जो लेसन है वो बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक की, जब वो स्टूडेंट थे तब की एक स्टोरी है वो यहाँ पे दी गई थी लेसन में।
अब ये जो पैराग्राफ है उसमें गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में दिया है कि जब वो स्टूडेंट थे तब क्या हुआ था। तो when he was student, he once took the help of a senior friend in solving a difficult problem of mathematics। तो जब वो स्टूडेंट थे तब उसको उनको मैथमेटिक में एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए उनके जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उनकी हेल्प उन्होंने ले उनको लेनी पड़ी थी यानी कि ली थी। द टीचर थॉट दैट गोखले हैड हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम और उन्होंने हेल्प सीनियर स्टूडेंट से हेल्प लेकर मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम का सॉल्व किया था। लेकिन टीचर ने क्या सोचा, टीचर ने सोचा कि गोपाल जो गोपाल है उन्होंने खुद से ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया है, खुद ने ये किया है। तो ही प्रेस्ड हिम इन द क्लास, तो टीचर ने उनको क्लास में प्रेज किया, उनके बहुत ही प्रशंसा की एंड ऑल्सो रिवार्डेड हिम और उनको रिवार्ड भी दिया गया, इनाम भी दिया गया। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, लेकिन ये जो गोखले है गोपाल कृष्ण गोखले वो खुश होने की जगह पे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, तो गोखले बिगेन टू क्राई, गोखले है वो क्या करने लगे, रोने लगे। उनको टीचर ने इतनी प्रशंसा की, उनको इनाम मिला, फिर भी वो खुश नहीं हुए, खुश होने के बदले वो क्या करने लगे, रोने लगे। तो व्हेन द टीचर इंक्वायर्ड, जब टीचर ने इंक्वायरी की, तलाश की, खोज की, तो क्या हुआ, ही टोल्ड हिम दैट ही हैड टेकन द हेल्प ऑफ अ सीनियर स्टूडेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तब टीचर ने जब उनको पूछताछ की तब उन्होंने क्या किया कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में उन्होंने एक सीनियर स्टूडेंट की हेल्प ली थी। हिज ट्रूथफुलनेस इम्प्रेस्ड द टीचर, और इनकी ये जो ट्रूथफुलनेस था, उनका ये जो सच्चाई थी, इसकी वजह सच्चाई ने टीचर को क्या कर दिया, बहुत ही इम्प्रेस कर दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू नीड नॉट टू रिटर्न द रिवॉर्ड, टीचर ने क्या कहा कि तुम्हें रिवॉर्ड है, इनाम है, वो वापस देने की जरूरत नहीं है। टेक इट एज अ रिवॉर्ड फॉर योर ट्रूथफुलनेस, ये है इनाम है वो तुम रख लो, एज अ ट्रूथफुलनेस, तुम्हारी जो सच्चाई है उसकी वजह से मैं ये तुम्हें इनाम दे रहा हूँ, इसकी वजह से तुम ये इनाम रख लो। ओके, तो ये पहला पैराग्राफ है, वहां तक स्टॉप करते हैं, आगे का पैराग्राफ है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स टू वॉच द वीडियो।